नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीनल पथरी के बारे में। रीनल पथरी कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इसलिए आज हमारे शो के गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतिभात सिंह, जिनका लखनऊ के इंदिरा नगर में यूरोविजन नाम का एक क्लिनिक है। सो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर सर। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि रीनल पथरी क्या होती है। देखिए, किडनी स्टोन से रीनल कैलकुलाई या जिन्हें हम कहते हैं किडनी में पत्थर, ये जो पत्थर हैं ये कुछ कारणों की वजह से किडनी में बन जाते हैं। स्पेशली कुछ तरीके के तत्व होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है, जैसे सिस्टीन है, जैसे यूरिक एसिड है, इन सब की वजह से स्टोन्स किडनी में बन जाते हैं। और वो बन के जब वहाँ रुक जाते हैं और रुक के जब बड़े हो जाते हैं तब किडनी को डैमेज करना शुरू करते हैं और तब किडनी में लक्षण लाने शुरू करते हैं, जिनकी वजह से फिर मुझे परेशान होता है। सही है, यह जो पथरी है वो कितना कॉमन है लोगों के बीच में? आजकल जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेज होते जा रहे हैं तो समय के साथ किडनी स्टोन्स की जो प्रेवलेंस है, यानी कि समाज में पत्थर पाए जाने की जो संभावना है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। करीब इस वक्त ये कहते हैं कि 2% से 20% तक लोगों में ये पत्थर पाया जा सकता है, पत्थर बनने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही इस वक्त कॉमन बीमारी हो गई है। सर, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है इस रीनल पथरी में? जैसा मैंने कहा, लाइफस्टाइल में बदलाव एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है पथरी बनने में आजकल। कुछ तो रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, जो हमारे जन्म के साथ हमसे जुड़ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को कुछ विशेष किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जैसे नेफ्रोकैंसरोसिस है, सिस्टिनुरिया है, हाइपरयूरिसीमिया है, तो इस तरीके के हैं। या जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है परिवार में, माँ बाप में रही है, बाबा दादा में रही है, भाई बहनों में रही है, इनको स्टोन बनने की संभावना एक तो ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं हमारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, खासतौर पर हम पानी कितना पीते हैं, हम नॉनवेज कितना खाते हैं, हम नमक कितना खाते हैं, हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हमारा वजन कितना कंट्रोल में रहता है, तो ये सब चीज़ें भी फिर पत्थर बनने में सहायक हैं। तो जो लोग मोटे हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो लोग नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं खाने में, ऐसे लोगों को पत्थर बनने की संभावना बढ़ती चली जाती है। या जिनके परिवार में लोगों को पत्थर बनते रहे हैं उनको भी समय समय पर अपनी जाँच करके देखते रहना चाहिए, क्योंकि उनमें भी संभावना करीब 3 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। सर, सबसे कॉमन टाइप की रीनल पथरी कौन सी है? सबसे कॉमन जो हम लोग देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बहुत कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा मिलने वाले वही स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, और उसके बाद फिर यूरिक एसिड टाइप के स्टोन्स या फास्फेट स्टोन्स सेकेंड थर्ड नंबर पे आते हैं, जो हम लोग बहुत देखते हैं। सर, रीनल कैल्कुलाई के क्लिनिकल फीचर्स के क्लिनिकल फीचर का मतलब ये होता है कि भाई हम किन वजहों से डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हमें स्टोन है तो हमें क्या चीज़ें होंगी जो मुझे डॉक्टर तक ले जाएंगे, क्लिनिकल फीचर का मतलब ये होगा, यानी कि क्या लक्षण होंगे। तो लक्षणों में जो सबसे कॉमन लक्षण जो मरीज को डॉक्टर तक लाता है वो है दर्द। तो पथरी की वजह से दर्द होता है पेट में, यूजली ऊपर की तरफ को, इसे हम लोग फ्लैंक कहते हैं, यानी कि चेस्ट के ठीक नीचे साइड ऑफ एब्डोमेन में लोगों को पेन होता है। या पेन कभी कभी जब किडनी से स्टोन नीचे गिर जाते हैं, यूरेटर में आ जाते हैं या पेशाब की थैली में आ जाते हैं, और लोअर एब्डोमेन में भी दर्द हो सकता है उसकी वजह से। इसके अलावा स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, बार बार आ सकता है या एक बार ही आ सकता है। फिर कुछ लोगों को स्टोन अंदर अगर कहीं फंस जाते हैं तो वो कभी कभी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं यूरिन में, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, पेशाब में जलन कर सकते हैं, बार बार पेशाब लगने जैसी संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, या पेशाब में बहुत बर्निंग होने लग जाए, बहुत जलन होने लग जाए, इस तरीके के लक्षण भी। कुछ लोगों में इन्फेक्शन करके बुखार ला सकते हैं, सेप्टिक तक कर सकते हैं। कुछ लोगों में यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि उनकी किडनी ही डैमेज हो जाती है पस पड़ने की वजह से, और किडनी ख़त्म कर सकते हैं, एक बड़ी सी सूजन पेट पर बन सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, पर फिर वही सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो पत्थर मिलने की संभावना उन लोगों में जिन्हें दर्द होता है। और दूसरा, आजकल काफ़ी लोगों को हम ये देख रहे हैं कि पत्थर की जानकारी पहले हो जाती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया है। किसी भी वजह से आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप पे अल्ट्रासाउंड हो जाता है, अल्ट्रासाउंड होते ही आपको पता लग जाता है कि आपको किडनी में पत्थर है, पर क्योंकि वो दर्द नहीं कर रहा होता इसलिए आप शांत बैठ जाते हैं, आप थोड़ी लापरवाही करते हैं या उसे इग्नोर करते हैं, और फिर वो समय के साथ
बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये भी याद रखिए कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपको स्टोन पता लग गया है तो फिर उसको इग्नोर ना करें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलकर उसके बारे में समझें जरूर कि वो समय के साथ किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है। सर, रीलर पथरी को डायग्नोस कैसे किया जाता है? जैसा मैंने भी बताया, आजकल अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया है, तो रीनल स्टोन को डायग्नोस करने का सबसे कॉमन और सबसे सेफ तरीका, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं है, एक्सरे है, सीटी है, सब में रेडिएशन है, तो सबसे साधारण तरीका अल्ट्रासाउंड देखने का, जो सबसे सेफ तरीका भी पत्थर देखने का है, वो अल्ट्रासाउंड है। तो ज़्यादातर हम लोग अल्ट्रासाउंड से पत्थरी पकड़ लेते हैं। बस यहाँ पे एक कैच ये है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो अल्ट्रासाउंड में पत्थर जैसी दिखती हैं पर वो पत्थर होती नहीं है, तो इसलिए हम हर स्टोन को अल्ट्रासाउंड में मिलने के बाद या तो सीटी से या एक्सरे से कंफर्म करके देखते हैं। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड में पत्थर है वो सीटी या एक्सरे से भी कंफर्म हो जाता है, तब उसको हम लोग भी कंफर्म पत्थर मानते हैं। फिर उस पत्थर के लिए आगे की जांचें शुरू होती हैं, स्टोन के लगे जांचें शुरू होती है, वो जांचें फिर ये बताती हैं कि स्टोन का हम लोग को क्या करना है। पर जिन लोगों का स्टोन है उनमें कुछ चीज़ें बहुत जरूरी कराना, एक उनका किडनी फंक्शन असेस करना कि कहीं स्टोन की वजह से किडनी डैमेज तो नहीं होती चली जा रही, तो उसमें हम लोग एक सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं। सीरम क्रिएटिनिन बता देता है कि भाई यहाँ किडनी दोनों हमारी सेफ है, अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, फिर यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए यूरिन के कुछ टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद फिर वो टेस्ट कराते हैं जो हमें ये बताने के लिए होते हैं कि ये इनको स्टोन क्यों बन रहा है, क्या कोई ऐसा कारण तो नहीं है शरीर में जिसको अगर हम टारगेट कर दें तो इनको स्टोन बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम वो टेस्ट कराते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन। तो स्टोन के पेशेंट को हम लोग तीन तरीके से जांच करते हैं, एक जांच वो हुई जो स्टोन डायग्नोस करने के लिए हुई, एक जांच वो ही जो ये देखने के लिए हुई कि स्टोन का किडनी पर कोई असर तो नहीं है या यूरिन पर कोई असर तो नहीं है, और तीन वो जांचें हुई जो ये बताती कि इनको स्टोन क्यों बना, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये स्टोन बार बार ना बने। सर, क्या रीनल पथरी खुद ही अपने आप हो सकता है? अपने आप पास हो सकता है? हाँ, एक्चुअली स्टोन्स का ऐसा कहते हैं, अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स देखें कि मान लीजिए 100 लोगों को स्टोन बना, हमने देखा कि 5 मिलीमीटर का स्टोन 100 लोगों में, तो ये कहते हैं कि 1/3 लोगों में वो स्टोन्स अपने आप निकल सकते हैं, छोटे स्टोन्स, 1/3 लोगों में वो स्टोन वैसे के वैसे उसी साइज पे मेंटेन रहते हैं, और 1/3 जनता में वो स्टोन समय के साथ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए स्टोन अपने आप निकल सकते हैं, लेकिन साइज बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर है, यानी कि साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए स्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा। लाइक किसी को 15 mm का स्टोन बन गया, अब ये नहीं निकले, तो अगर किसी को 5 mm का स्टोन है ये निकल सकता है, 7 mm का स्टोन है, 6 mm का स्टोन है, तो हम लोग ये मानते हैं कि अप टू 7 mm स्टोन्स में निकलने की संभावना रहती है। उनकी लोकेशन भी होती है, उनका शेप भी होता है, वो भी डिसाइड करता है कि लोकेशन जो है स्टोन की किडनी में, यूरेटर में, सिस्टम में कहाँ है। इट्स अ लॉन्ग सिस्टम, किडनी से शुरू होकर एक यूरेटर होता है, तो ब्लैडर आता है, तो इस पूरे सिस्टम में स्टोन की लोकेशन क्या है, स्टोन का शेप क्या है। लाइक स्टोन चावल के दाने जैसा है, ग्रेट शेप है, तो अब इसलिए पिंडली आगे जगह बनाते हुए निकलता चला जाएगा। लेकिन अगर स्टोन किसी का गोल है, स्टोन किसी का कांटेदार है, पत्थर जैसा है, बिल्कुल जैसे चौड़ा वाला पत्थर होता है, तो वो ऑब्वियसली जहां जाएगा वहां फंसता चला जाएगा, तो वो नहीं निकल पाएगा। तो स्टोन की शेप क्या है, स्टोन का साइज क्या है, स्टोन की लोकेशन क्या है, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि बंदे का पत्थर निकलेगा या नहीं। सर, कोई रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है जब हम लोग रीनल पथरी का ट्रीटमेंट करवाते हैं? रिस्क फैक्टर को यूं समझिए कि अगर हम इलाज पे जा रहे हैं तो हम इलाज के टाइप असेस करते हैं, भाई हम इनका स्टोन कैसे ट्रीट करेंगे। अब हमें अगर दवा से इलाज करना है या ऑपरेशन करना है तो हमें ये देखना है कि इनको और साथ साथ में क्या क्या बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए किसी मरीज को पथरी है और पथरी के लिए उसका इलाज होना है, पर उसकी किडनी पे इफेक्ट आ चुका है, उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज का इलाज अलग तरीके से होगा। अगर किसी को स्टोन के साथ डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, तो उसके लिए अलग रिस्क हो जाएंगे, रिस्क फैक्टर अलग हो जाएंगे। तो क्या क्या हमें अलग और बीमारियां हैं या क्या क्या इफेक्ट हमारे शरीर पे स्टोन के आ चुके हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इलाज प्लान करने में।
तो अगर किसी का स्टोन कहीं फंसा हुआ है नली में, उस स्टोन की वजह से उसको इन्फेक्शन हो चुका है, उससे उसे बुखार आ रहा है, तो अब हम जान रहे हैं कि इनको दवा नहीं, इनको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर लाइफ बचाने की बात पहले आ जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी का ट्रीटमेंट किस तरीके से प्लान करेंगे। तो सिर्फ स्टोन के साइज पे ना जाएं, आप अपने स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। आपका स्पेशलिस्ट यानी कि यूरोलॉजिस्ट, सी स्टोन यूरोलॉजी का डोमेन है, तो जो यूरोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं रीनल पथरी के लिए? आजकल के वक्त में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब वो पुराने वक्त के ट्रीटमेंट जो होते थे, जैसे कि पहले तो ज्यादातर ऑपरेशन में पेट खोल के ही पत्थर निकालते थे, तो अभी क्या हो गया है कि अभी हम पहला फैक्टर देखते हैं कि स्टोन का साइज क्या है, स्टोन का लोकेशन क्या है, और स्टोन की शेप क्या है, और स्टोन ने हमारे ऊपर क्या असर डाले हुए। अगर साइज फेवरेबल है, शेप फेवरेबल है, लोकेशन फेवरेबल है, और स्टोन का कोई शरीर पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, तो हम ऐसे पेशेंट्स को पहले दवा से कोशिश करते हैं ठीक करने की। अगर फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि करीब 70% से 80% तक लोगों में दवा से पत्थर निकल सकते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल फैक्टर्स नहीं है तो हम लोगों को कुछ न कुछ सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ता है। अब सर्जिकल इंटरवेंशन में कई तरीके के प्रोसीजर्स हैं, लाइक कि हम लोग स्टोन को लिथोट्रिप्सी, एक मशीन होती है ESWL कहते हैं, शॉक में लिथोट्रिप्सी, जिसमें कि हमने क्या करना है, मरीज के पेट के पीछे कमर में एक मशीन लगा देते हैं, मरीज ओपीडी में आता है, कोई भर्ती नहीं करनी होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं देना होता, पेशेंट आया मशीन में लेटा, मशीन लगाई, उससे पत्थर को तोड़ दिया, शॉक में पत्थर के टुकड़े बना देते, छोटे 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 1000 टुकड़े बन गए एक स्टोन के, और वो सारे टुकड़े फिर पेशाब के रास्ते बह के अपने आप निकल जाते हैं। तो एक तो ये है, ना एनेस्थीसिया चाहिए, ना भर्ती चाहिए, ना कोई चीरा डाका है, बस पत्थर हो गया। एक तो ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके बाद अगर किसी का पत्थर इसके लिए फिट नहीं है, तो फिर एक और आजकल नया टेक्निक आया है, बहुत ही एडवांस है और बहुत ही सिंपल हो गया है, जिसमें हम जिसे हम कहते हैं RIRS या फ्लेक्सिबल रिवर्सोपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशाब के रास्ते से गए किडनी में गए एक दूरबीन आती है जो मुड़ सकती है, तो वो पेशाब के रास्ते जाएगी, किडनी तक पहुंचेगी, किडनी में स्टोन को फोकस करेगी और वहां लेजर से स्टोन को डस्ट बना देगी। एक दिन की भर्ती है, सिंपल सनासी से अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है। अगर इसके लिए भी फिट नहीं है और उसके लिए भी फिट, यानी कि लिथोट्रिप्सी के लिए ESWL फिट नहीं है, हम RIRS के लिए फिट नहीं है, तो फिर तीसरा तरीका है PCNL, जिसमें कि पहले पीसनल में भी बड़ा छेद बनाते थे, अभी क्या हो गया कि वो बहुत मिनीचर पीसनल्स होंगे जिन्हें हम लोग मिनी पीसनल कहते हैं, उसमें एक पतला से क्या कहना चाहिए कि 3 मिलीमीटर का एक पीछे कमर में कट लगता है से 4 मिलीमीटर अधिकतम, और उससे एक दूरबीन किडनी तक डाल के फिर वहां से पत्थर को तोड़ के निकाल देते। तो आजकल प्रेजेंटली ये 3 प्रोसीजर्स एडवांस उसमें ज्यादा हो रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट के हाथ में बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, तीनों में रिस्क नॉमिनल है, सेफली किए जा सकते हैं। बहुत रेयरली अगर किसी का पत्थर बहुत बड़ा है तब आजकल कभी कभी लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज अब आज के वक्त में ओपन सर्जरी का तो करीब भी जमाना चला गया है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, हम अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमें रियल पथरी ना? यस, इसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव इलाज से ज्यादा अच्छा है। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किसी जैसे हमने पहले कहा था कि हमें पत्थर बनते क्यों है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। लाइफस्टाइल भी क्या है, वेट कंट्रोल करना है, डाइट भी क्या है, पानी इतना पीना है कि पेशाब हमारा पीला नहीं होना चाहिए। सी अक्सर लोग बोलते हैं सर मैं 4 लीटर पानी पीऊँ, मैं 5 लीटर पानी पीऊँ, कोई 7 लीटर पानी पी रहा है, कोई 3 लीटर पी रहा है, कोई लीटर में इसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि हम ये नहीं तय कर सकते कौन कितने लीटर पिएगा। ये इस बात पे तय होता है कि हम काम कहाँ करते हैं, हम काम क्या करते हैं। एक आदमी है जो रिक्शा चलाता है, वो दिन भर धूप में रिक्शा चलाता है, अगर वो 3 लीटर पानी पिए, और एक आदमी जो डॉक्टर है जो हर वक्त कमरे में बैठा, इस आदमी को पसीना तो आता ही नहीं दिन भर में, और वो आदमी दिन भर पसीने में नहाया हुआ है, दोनों बराबर बराबर पानी पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो
पानी हम कितना पिएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। अब ये तो हम जान नहीं सकते, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप जब भी यूरिन करें अपने यूरिन के कलर पे नजर रखें। अगर आपका यूरिन का कलर वाइट जैसा है, सफेद जैसा है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा ठीक है, आपको पथरी बनने का रिस्क कम है। अगर आपको पीला पेशाब हो रहा है तुरंत सतर्क हो जाइए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, और जिस मात्रा से आपका यूरिन वाइट होता है वही मात्रा आपके लिए सही मात्रा है। एक बार दूसरा नमक, खाने में हम लोग ये कहते हैं कि नमक कम खाएं। एक्चुअली वैसे तो मात्रा तय है कि इतना नमक खाएं, लेकिन वो मात्रा कोई मेजर तो कर नहीं सकता कि हमने दिन भर में आज कितना नमक खाया। तो क्या है कि हम लोग ये कहते हैं कि आप टॉप अप ना करें नमक, यानी कि आप खाने में ऊपर से नमक ना डालें, या जिन चीजों में बहुत नमक होता है लाइक चिप्स हैं, पापड़ हैं, चाट है, नमकीन है, इन चीजों को कम खाएं ताकि नमक की मात्रा कम रहे। चार, सिट्रस फ्रूट, ये जो कहते हैं हम लोग लेमनी फ्रूट जितने होते हैं सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन्स हैं, नींबू हैं, संतरा है, मौसम्बी है, इस तरीके का फलों का सेवन ज्यादा करें। फिर नमक कम खाएं, पानी ज्यादा पिए, नींबू जैसी चीजें, फिर सिट्रस फ्रूट ज्यादा लें। मीट, मीट चाहे जैसा, लाल मीट या सफेद मीट, जैसा भी मीट, मीट कम से कम खाएं। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने भोजन में हफ्ते में दो बार से अधिक और एक बार में दो चार पीस से ऐसा मीट ना खाएं कभी भी। तो अगर ये चीजों का ध्यान रखेंगे, प्लस जितने बहुत ऑक्सीडेटिव स्टोन्स वाले पेशेंट हैं या यूरिक एसिड स्टोन वाले पेशेंट हैं उनके लिए कुछ स्पेशल अलग होते हैं, तो वो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि अगर आप यूरिक एसिड स्टोन के पेशेंट हैं तो आप क्या क्या चीजें कम खाएं, लाइक काजू कम खाएं, लाइक आप बहुत सारी चीजें हैं तो कम खानी, गोभी बंद गोभी, ये सब चीजें कम खानी होती है। और ऑक्सीडेट वाले स्टोन से तुमको पालक है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये सब चीजें कम करनी पड़ती हैं। तो आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो कुछ तो डायरेक्शन वो आपको देंगे, और कुछ जो जनरल पॉपुलेशन के लिए है वो एक्सरसाइज जरूर करें, वेट कंट्रोल में रखें, पानी ज्यादा पिए ताकि प्रेशर वाइट होता रहे, नॉनवेज कम खाएं, नमक कम खाएं, और सिट्रस फ्रूट का सेवन जरूर करें। अगर इतना पालन करेंगे तो आसानी से आप पत्थरबंद से बच सकते। थैंक यू डॉक्टर फॉर कमिंग टू अवर शो। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ ही हम पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं। हम मुझे आपसे उम्मीद है कि रीनल पथरी के बारे में आपने कुछ जाना होगा, कुछ सीखा होगा, इसलिए पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ हम इस शो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।